ओम शांति। मुरली का तारीख है 12/9/2018। मीठे बच्चे, तुम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। रुद्र शुबाबा तुम्हें जो सुनाते हैं वह सुनकर दूसरों को जरूर सुनाना है। प्रश्न, बाप ने भी यज्ञ रचा है और मनुष्य भी यज्ञ रचते हैं, दोनों में कौन सा मुख्य अंतर है? उत्तर, मनुष्य रुद्र यज्ञ रचते हैं कि शांति हो अर्थात विनाश ना हो, लेकिन बाप ने रुद्र यज्ञ रचा है कि इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकले और भारत स्वर्ग बने। बाप के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से तुम नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बन जाते हो। उस यज्ञ से तो कोई भी प्राप्ति नहीं होती है। गीत, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। यह कितना मीठा गीत है और कितना अर्थ सहित है। जो विशाल बुद्धि वाले होंगे वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। बुद्धि भी नंबरवार है ना? उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं। उत्तम बुद्धि वाले इसका अर्थ अच्छी रीति समझ सकते हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। या कौन याद करते हैं? बच्चे। कौन से बच्चे? बच्चे तो ढेर है, जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, जिन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही जास्ती बुलाया है। वही शिव अथवा सोमनाथ के मंदिर की स्थापना करते हैं, सिद्ध होता है। हम जो पूज्य देवी देवता थे अभी पुजारी बने हैं। बरोबर हम पूज्य थे फिर पुजारी बने, तो सोमनाथ शिव की पूजा करते हैं। रुद्र यज्ञ बहुत रचते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ कभी नहीं रचते, रुद्र यज्ञ नाम रखते हैं। अभी भी रुद्र यज्ञ रच रहे हैं। तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। रुद्र कौन है? क्या रुद्र ने कभी यज्ञ रचा था? कैसे रचा? फिर क्या उसकी सिद्धि हुई? या तो कोई नहीं जानते। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। परमपिता परमात्मा के सिवाय ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई दे नहीं सकता। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा को ही गाया जाता है। मनुष्य को ज्ञान सागर नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हमको दादे का वर्षा मिल रहा है, जिसको ही याद करते हैं कि बाबा आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो। फिर हम भी दान लेकर औरों को करेंगे। बहुत सहज है, सिर्फ याद दिलाएंगे कि तुम्हारे दो बाप है। भक्ति मार्ग में दो बाप हो जाते हैं। सत्युग त्रेता में लौकिक बाप ही होता है। वहां वर्षा भी तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाते हो। तो तुम बच्चों का माता फिरना चाहिए, ऐसी ऐसी जगह जाकर पूछना चाहिए कि रुद्र यज्ञ किसने रचा था। क्या रुद्र ज्ञान यज्ञ है वा रुद्र यज्ञ है? असल नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र तो है निराकार, वा कैसे यज्ञ रचेगा? जरूर शरीर धारण करना पड़े। दक्ष प्रजापति का यज्ञ भी मनाते आते हैं, दिखाते हैं। दक्ष प्रजापिता यज्ञ में अश्व को स्वाहा करते हैं, घोड़े को टुकड़े टुकड़े कर जलाते हैं। उनको दक्ष प्रजापति यज्ञ कहते हैं। या तुम अभी जानते हो तो वहां लिखना चाहिए या कौन सा यज्ञ है। बड़ा बबके से यज्ञ करते हैं, बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं। बड़े बड़े आदमी दान करते हैं, कोई 100 निकालते, कोई 500 निकालते। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो तुम सारे स्वा होते हो। उसमें तो तोड़ा तोड़ा पैसा निकाल इकट्ठा करते हैं, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती है। यहाँ तो तुमको स्वा होना पड़ता है,
वहां स्वा होने की बात नहीं। यहां बच्चे कहते हैं बाबा तन मन धन सहित मैं आता हूं, वहां ऐसे नहीं कहेंगे। आहुति में कभी ऐसे नहीं डालते। आरती आदि होगी, चंदा चीरा होगा, बड़ों बड़ों से लेते हैं, तुम बच्चे जानते हो। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। वहां यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। वहां शांति का बड़ा आवास करते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना। परमात्मा है शांति का सागर। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। अखबार पढ़ते हो तो क्या चलना चाहिए, कैसे हम सबको समझाए। बाबा जानते हैं कैसे बी के दुकान संभाल रहे हैं। शेठ का कौन सा दुकान अच्छा लगता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है। वहां तो गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने, या ब्रह्मा है गोत्री, या बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए तो लिखा हुआ है, इससे विनाश ज्वाला निकली। वहां यज्ञ करते हैं शांति के लिए। यह है सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक शेठ होते हैं, या तुम ब्राह्मणों का एक ही शेठ है। बाप है रुद्र, रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो। उसने ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो। वह यज्ञ तो दो चार दिन चलेगा। तुम्हारा यहाँ रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, इसमें टाइम लगता है। यह है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। वहां तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप बैठ समझाते हैं कैसे उनको सावधान करो। बड़ो बड़ों को बोलो, या तुम जो यज्ञ रचते हो उसमें भूल है। परमपिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं। शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया है या भूल कर दी है। वैसे भी रुद्र यज्ञ रचते हैं, वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है। शिव का नाम है रुद्र, उसने ही ज्ञान यज्ञ रचा है। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्धी धर्म स्थापन किया, वैसे रुद्र का है ज्ञान यज्ञ जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते। स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश हो तो अच्छा ही है ना। भारत है अविनाशी खंड। जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज्यादा होना चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्मता, इसको सारा कल्प हुआ है। शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिया है, परंतु या तो समझाना चाहिए जरूर। और धर्म वालों से देवता धर्म की आदम शुमरी जास्ती होगी, लेकिन वहां कन्वर्ट हो गए हैं। तो कैसे निकले? बौद्धी क्रिश्चियन मुसलमान आदि जाकर ढेर बने हैं, इसीलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। यहाँ भी ड्रामा, इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो सिर्फ अर्पणमय होने से क्या फायदा। अर्पणमय तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारणा कर और कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वही अच्छा पद पा सकते हैं। तो यहाँ गीत एक्यूरेट है, बुलाने को जी चाहता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो पहले पहले थे वहां ते ही देवी देवताएं, सो भी भारत में थे। अभी तो कोई कहां कन्वर्ट हो गए हैं, कोई तो भारत से बाहर चले गए हैं। नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़े ते बड़ा तीर्थ और कोई है नहीं। और सभी धर्म स्थापक जो है उनको भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित है, सबको पावन बनाने वाला एक है। तुम यहाँ जानते हो, तुम्हारे में भी नंबर वार यथार्थ रीति जान सकते हैं। तुम कहेंगे
हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हो? क्या बैठ करते हो? रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वहां सुनते ही रहते हो। जहां तक रुद्र बाबा इस शरीर में है सुनाते ही रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ होगा ना? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गायी हुई है। सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा का थोड़े ही दिन और रात बनाएंगे? वहां तो सूक्ष्म वतन वासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न यहाँ का है। ब्रह्मा की रात माना पतित, फिर वही पावन बनते हैं तो दिन होता है। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वह एक सतगुरु है, सत बाबा, सत शिक्षक, सत गुरु, तीनों इकट्ठे हैं। पहले जरूर बाप के बच्चे होंगे, फिर पद टीचर से पाएंगे, नंबर वार है ना? यहाँ भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। तुम पहले बेहद के बाप के थे ना? यहाँ आए हो पार्ट बजाने, भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को याद करते आए हो, क्योंकि वह है स्वर्ग का रचयिता, जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा। यहाँ समझाना तो बड़ा सहज है, सेंसिबल ही समझा सकेंगे। वास्तव में सेंसिबल तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे में जो अकलमंद है उनमें भी नंबर वार है। दुनिया में अकलमंद भी नंबर वार है ना? यहाँ भी जो सेंसिबल बनते जाएंगे वहां जरूर अच्छा नंबर पाएंगे। हर एक अपनी दिल से पूछे हम कहाँ तक सेंसिबल बना हूँ। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं वैसे वहां भी तुम्हारी मुरली चल सकती है। तुम उन्हें समझाओ कि रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उससे विनाश ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना, और या फिर यज्ञ रचते हैं विनाश ना हो अर्थात स्वर्ग स्थापन ना हो, या तो उल्टी बात हो गई। तब तो बाबा कहते हैं मैं इन सब का उद्धार करने आता हूँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। तो तुम प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम आपसे सुनकर और सुनाएंगे। अच्छा औरों को सुनाओ, पहले यहाँ तो रिपीट करो, घड़ी घड़ी रिपीट करो, जो फिर कहाँ समझा सको। फर्स्ट क्लास पॉइंट है। उस यज्ञ में तो जो तिल आदि डालते हैं, मेरे रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वा हुई थी, परंतु यहाँ सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा नहीं होती। बाप को याद नहीं करते हैं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। बाबा कहते हैं हम भी क्या करें, इस समय सबकी बुद्धि पतित है, उनको पावन बनाता हूँ। जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारणा नहीं हो सकती, बुद्धि का ताला कैसे खुले? याद से ही खुलेगा। मोस्ट बिलवेड बाप है, उनकी बड़ी महिमा करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा है, शिव की पूजा भी होती है तो जरूर आता होगा ना? बिगर आर्गन्स क्या आकर करेंगे? तो अब ब्रह्मा में आया हुआ है। तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हुए हो, परंतु देह अभिमान होने कारण इतना लव बाप के लिए रिगार्ड नहीं रहता, डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। बाप कहते हैं मैं निरहंकारी हूँ, तुमको इतना अहंकार क्यों आता है? बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ, इतना देह अभिमान आ जाता है। अब कोई का पति मर जाता है तो उसकी देह खत्म हो गई, बाकी आत्मा निकल गई। फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, देह को तो नहीं बुलाते, भावना रखते हैं तो भावना का बाड़ा मिलता है। पति को याद करते रहे तो पति का साक्षात्कार कर लेंगे, बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं ना? ऐसे बहुतों का प्यार होता है, आएगी तो आत्मा ना? कोई का स्त्री में प्यार है तो
भावना का बाड़ा मिल जाता है, स्त्री को देख लेते हैं, चीज ले आते हैं, खुद उनको पहनाते हैं। ऐसे बहुत कुछ होता आया है। आगे बहुत विधि से खिलाते थे, जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को याद करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे बहुतों को हो सकता है, परंतु वहाँ चाबी एक ही बाप के हाथ में है। बाप कहते हैं या साक्षात्कार की बातें भी ड्रामा में नूंद हुई है। साक्षात्कार कराया, ड्रामा चला, ठहरता नहीं है। ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना होता है। अरे बाबा का तो अच्छी रीति रिगार्ड रखो। बाप में इतना रिगार्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं। समझते हैं वहां तो निराकार है। कहते हैं या तो उनका रथ है, इनको हम क्या करेंगे, हम तो निराकार को ही याद करेंगे। अच्छा, निराकार की गोद में जाकर दिखाओ, निराकार साथ कावो पीवो। तुम इनके पास क्यों आते हो? कहते हैं नहीं बाबा, आप इनमें हो, आपको ही इनमें विराजमान समझ चलते हैं। यह बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में रहता है। ऐसे बहुत है जो गपोड़े लगाते हैं। हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ, मैं तो एक ही सिकिलदा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारणा करनी और करानी है। सेकंड पॉइंट, बाप समान निरहंकारी बनना है। अहंकार छोड़ बाप से अति लव व रिगार्ड रखना है। देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझदार ज्ञानी तु आत्मा भव। समझदार ज्ञानी तो आत्मा वह है जो पहले सोचता है फिर करता है। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं, तो यह संकल्प बुद्धि का भोजन है। इसे पहले चेक करो फिर कर्म में लाओ। संकल्प को चेक कर लाने से वाणी और कर्म स्वतः समर्थ हो जाएंगे। और जहाँ समर्थ है वहाँ कमाई है, तो समर्थ बन हर कदम अर्थात संकल्प बोल और कर्म में पद्मों की कमाई जमा करो। यही ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है। स्लोगन, बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। अच्छा, ओम शांति।